हे ब्यूटीफुल पीपल व्हाट्सअप, जैसे अभी थंबनेल पे देख चुके हो, फ्रीलांस गाइड, कंप्लीट फ्रीलांस ट्यूटोरियल देने वाला हूं। अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने वाले हो और कहीं ना कहीं फंसे हुए हो, या फ्रीलांसिंग बिगिन करना चाहते हो एज एन इंडिविजुअल जॉब सीकर हो, सॉरी जॉब होल्डर हो, साइड में अपना फ्रीलांसिंग बिगिन करना चाहते हो, या स्टूडेंट हो अपना करियर एज ए फ्रीलांसर बिगिन करना चाहता हो, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ए वन स्टॉप सोल्यूशन। सो पीपल, बहुत बुरा लगता है गाइज, यू नो, जब लोग फ्रीलांसिंग के अराउंड इतने सारे हवाएं, इतने सारे अफवाहें फैला रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्क्रीनशॉट डाल रहा है, कोई $2,000, कोई $10,000 का डाल रहा है, कोई फ्रीलांसिंग से कह रहा है कि आ जाओ रातों रात हम करोड़पति बन जाएंगे, लखपति बन जाएंगे। बहुत सारे मिथ है, यू नीड टू अंडरस्टैंड पीपल, फ्रीलांसिंग ऐसा कोई ऐप नहीं है, कोई स्कीम नहीं है कि जैसे ही एंटर करोगे कहीं से पैसा आ जाएगा। एज ए ट्रेनर, एज ए कोच, मेरा ड्यूटी है आपको सही डायरेक्शन दिखाना, सही तरीके से मेंटोर करना और गाइड करना। फ्रीलांसिंग भाई लोग एक बिजनेस है, इट्स एब्सोल्युटली अ बिजनेस। आप कह सकते हो कि आप एक सोलोप्रेनोर हो, सोलोप्रेनोर तो बिजनेस के जितने भी इक्वेशन, कितने भी डायनामिक्स है ना, सब फ्रीलांसिंग में लागू होते हैं। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड, दुनिया के कोई भी बिजनेस में हो, कोई बिजनेस में हो गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट टेक्स टाइम टू स्केल, इट टेक्स टाइम टू स्केल। भाई स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं, बेंगलुरु सिलिकॉन वैली ऑफ द कंट्री, एवरी डे वी नर्चर एंड वी हैंड होल्ड स्टार्टअप फाउंडर्स, 100 स्टार्टअप फाउंडर्स। फंडिंग होने के बावजूद भी लोग फेल हो जाते हैं अपने स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए, बिकॉज दे लैक बिजनेस एक्यूमेंट एंड देर लैक माइंड सेट, देयर एटीट्यूड सक। तो गाइज, बहुत सारे एनवायरमेंटल रीजन, बहुत सारे स्किल रीजंस हैं जो आपको एक अच्छा फ्रीलांसर से एक बहुत अच्छा बिजनेस ओनर बना सकता है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ट्यूटोरियल। लेट मी प्रेजेंट फ्रीलांस ट्यूटोरियल 2022। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना भाई, फ्रीलांसिंग जो टोटल करियर है आपका, फ्रीलांस में होता है कि जनरली आप मल्टीपल कंपनीज के लिए पार्ट टाइम काम करते हो, आवरली रेट करते हो, ऑन कॉन्ट्रैक्ट करते हो, आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए जॉब नहीं करते, आप मल्टीपल कंपनी के लिए काम करते हो एंड यू आर द सोलो कॉन्ट्रीब्यूटर। दैट मीन्स प्रोजेक्ट लेने से लेकर के डिलीवर करने तक सब कुछ आप ही को करना है। तो अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फ्रीलांसिंग के तीन बड़े पिलर हैं। सबसे बड़ा पिलर क्या है पता है? वीडियो को अंत तक देखो, आंख खुल जाएगा। सबसे बड़ा पिलर है डेवलप योर वैल्यू, प्रमोट योर वैल्यू एंड डिलीवर योर वैल्यू। तो अगर आप देखोगे ना, ये तीनों चीज में मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट वैल्यू, राइट? सबसे पहला क्या है, डेवलप कीजिए अपने वैल्यू को पहले, दूसरा प्रमोट कीजिए अपने वैल्यू को, देन प्रमोट करने के बाद डिलीवर कीजिए उस वैल्यू को। कैसे आप करोगे, लेट अस अंडरस्टैंड। उससे पहले आपको समझना है दोस्त, ये वैल्यू किस चिड़िया का नाम है, वॉट इज दिस वैल्यू एक्चुअली? क्योंकि मैं इतनी बार वैल्यू कह रहा हूँ, आप भी बहुत सारे वीडियोज में वैल्यू के बारे में समझते हैं, वट एग्जैक्टली इज वैल्यू? वैल्यू क्या है दोस्त? इट इज द यूजफुलनेस ऑफ योर सोल्यूशन, यूजफुलनेस ऑफ योर सोल्यूशन इन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम इन योर क्लाइंट्स लाइफ। मतलब अगर आप एक लोगो डेवलपर हो तो यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि ये लोगो ले जाने के बाद कस्टमर अपने लाइफ में कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व किया। अगर आप एक वेब डेवलपर, यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि मैं वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विसेज डेवलप करने के बाद क्लाइंट के लाइफ में वो वेबसाइट कितना, What is the tangible problem this website is solving? तो इसे कहते हैं guys, value अपना determine करना। और ये value, अगर आप चाहते हो कि आपके services के जो भी आप service दे रहे हो, ठीक है, अपने freelancing में, क्योंकि you need to understand people, पैसा तो आप तभी कमाओगे when you solve a problem. And so as to solve a problem, you need to have a solution with you, right? आपके पास एक solution होना चाहिए। लोग आपके सर्विसेज को नहीं खरीदते, लोग अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन को खरीद रहे हैं, राइट? पीपल बाय द एंड रिजल्ट। तो अगर आप एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंग एक सोल्यूशन को डेवलप करो, यानी कि स्किल को डेवलप करो, मैं कहूंगा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करो, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे। यू हैव दैट परमिशन दैट यू हैव क्रिएटेड सम वैल्यू विद इन यू, और ये आता है एक्सपीरियंस से गाइस। सो अगर आप चाहते हो कि आपके सर्विसेज का वैल्यू बढ़े, तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा एक वैल्यूएबल प्रॉब्लम। यू हैव टू सॉल्व अ वेरी वेरी वैल्यूएबल प्रॉब्लम। फ्रीलांसिंग अलग अलग स्पेक्ट्रम में होते हैं, कोई फ्रीलांस एडवोकेट होता है, कोई फ्रीलांस आर्किटेक्ट होता है, कोई फ्रीलांस पेंटर होता है, कोई फ्रीलांस वॉइस ओवर आर्टिस्ट होता है। आज के डेट पे अगर आप बोलोगे सबसे ज्यादा हाई पेइंग फ्रीलांसिंग सर्विसेज क्या है, दीज आर द सर्विसेज इन आवर इंडस्ट्री। सबसे पहला
हाईएस्ट सेलिंग, मैं कहूंगा वैल्यूएबल स्किल या तो वैल्यूएबल सर्विस जो कि एक वैल्यूएबल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, दीज आर कॉन्टेंट मार्केटिंग विच इज द हाईएस्ट पेड सर्विस, आई वुड से इज द हाईएस्ट पेड सर्विस, कॉपी राइटिंग इसके अंदर आता है। देन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अगेन जितने भी क्लाइंट्स बड़े बड़े टेक कंपनीज, ई कॉम कंपनीज है ना, एवरीबडी नीड्स एसईओ। ओके, देन कम्स यू नो कॉन्टेंट मार्केटिंग, कॉन्टेंट सर्विसेज होते हैं कॉपी राइटिंग लिखना और यू नो डिलीवर करना, कॉन्टेंट मार्केटिंग होता है उसी कॉन्टेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना। देन कम्स ग्राफिक डिजाइनिंग, मार्केटिंग कंसल्टेंट, एज आई एम ए मार्केटिंग कंसल्टेंट राइट, यू नो आवरली वी चार्ज यू नो 1 lakh 2 lakh रुपीज जस्ट टू कंसल्ट विथ आर क्लाइंट्स। देन कम्स ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग एंड एडवर्टीजमेंट सर्विसेज। तो गाइस कुल मिला के ये 8 सर्विसेज है जो कि बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यू स्किल है। तो गाइस हमने अभी पहला पिलर हमने क्रैक किया, डेवलप योर वैल्यू। तो अगर आप एक फ्रीलांसर हो, बिगिन कर रहे हो अपने जर्नी में, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड आपको इन सारे सर्विसेज में अपना स्किल, अपना डेडिकेशन, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना है। Nobody is going to give you a lot of money if you are just a beginner. ये तो आप गांठ बांध के चलो। You need to understand, कोई भी कंपनी आज के डेट पे रातों रात बड़ी नहीं हो जाती है। Amazon भी एक कमरे से ही बिगिन हुआ था, Johnson & Johnson भी एक कमरे से ही बिगिन हुआ था, Sony वो भी एक कमरे से ही बिगिन हुआ था। तो भाई realistic goals बनाओ, मुंगेरी लाल वाला हसीन सपना नहीं, जो कि आज के डेट पे इंटरनेट के ऊपर बहुत लोग दिखा रहे हैं और आप बहकते जा रहे हो, बहकते जा रहे हो। उनका काम ही आपको बहकाना, अपना 499 का कोर्स सेल करने के लिए। अगर आप ध्यान करो, इन जो सारे स्किल्स है ना, ये सारे स्किल्स आपको सिर्फ सर्विस देने में आपको हेल्प नहीं करने वाले, ये सारे स्किल्स आपको ना अपने फ्रीलांस बिजनेस, अपने एजेंसी बिजनेस को भी मार्केट करने में हेल्प करेंगे। अगर आप चाहते हो कि इन सारे स्किल्स पे कंप्लीट स्क्रैच से लेकर के एडवांस लेवल तक आपको सीखना है, देन यू कैन ज्वाइन आवर एडवांस डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस लीडरशिप, जिसका नेक्स्ट बैच इज अबाउट टू बिगिन। तो गाइज इस वीडियो के एंड तक आप एक इंक्वायरी रेस कर सकते हो। तो नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रमोट योर वैल्यू। प्रमोट योर वैल्यू का मतलब यह है कि यार हाउ एग्जैक्टली आई कैन प्रमोट माई वैल्यू, मैं कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाऊं जहां पे मैं अपने सर्विसेज को प्रमोट करके ऐसे लोगों को ढूंढ के लेके आऊं हु कैन पे मी इन एक्सचेंज ऑफ माय वैल्यूएबल सर्विसेज। सो फॉर दैट, इफ यू वांट टू गेट पेड, हाईली गेट पेड, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको हाईली पे करें, देन यू हैव टू मेक श्योर यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो यू नीड टू हैव अ पोर्टफोलियो, जो कि टाइम के साथ आता है धीरे धीरे, एंड ऑफकोर्स विथ मेंटोरशिप, पर्सनल गाइडेंस, हैंड होल्डिंग। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट है जो नए नए सीखने के बावजूद भी साइड बाय साइड हमारा हैंड होल्डिंग, हमारा गाइडेंस लेके हाईली पेड हो रहे हैं। तो फॉर दैट यू नीड एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आपको सबसे पहला क्लाइंट अपने नेटवर्क में ही ढूंढना है। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट अ बिजनेस ओनर, एटलीस्ट 2 to 3 बिजनेस ओनर जिसको आप हेल्प कर सकते हो विथ आवर सर्विसेज, उस एंड यू कैन वर्क फॉर फ्री। व्हाई आई एम सेइंग टू वर्क फॉर फ्री, क्योंकि इन द बिगिनिंग ऑफ योर बिजनेस करियर इट्स नॉट अबाउट प्रॉफिट, इट्स अबाउट पोर्टफोलियो एंड एक्सपीरियंस। तो आपको अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए और अपना एक्सपीरियंस सीखने के लिए, भैया जो मैंने सीखा, लेट्स से आपने ई कॉमर्स साइट डेवलपमेंट सीखा, तो भाई क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या मैं एक अच्छा साइट बना पा रहा हूँ या नहीं बना पा रहा हूँ, इस चीज का ये परीक्षा है दोस्त, इफ यू वर्क फॉर फ्री। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो अमेजॉन हो, ओला हो, उबर हो, हर एक कंपनी जब मार्केट पेनिट्रेट करते हैं दे गो विथ एब्सोल्यूट फ्री सर्विसेज। तो गाइज इट इज ए वार्म अप पीरियड, आप कह सकते हो नेट प्रैक्टिस है। अगर आप स्क्रीन पर अभी देखो, यहाँ पे हमारे सामने यू नो अभी एक अपने फ्रीलांस बिजनेस को आप प्रमोट करने का यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट गाइड दिया हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज लीड जनरेशन फॉर फ्रीलांसिंग, यह है लीड जनरेशन फॉर फ्रीलांसिंग। तो अगर आप देखोगे लीड जनरेशन फॉर फ्रीलांसिंग कैसे करोगे, प्राइमरीली देयर आर 2 मेथड्स। एक इंटरप्शन मार्केटिंग है, इंटरप्शन मार्केटिंग यानी कि यू रीच आउट टू द क्लाइंट, आप इंटरप्ट कर रहे हो, जिसे आउटबाउंड या तो आउटरीच कहा जाता है। दूसरा है गाइस परमिशन मार्केटिंग, यानी कि आप लोगों का परमिशन लेके उन्हें उनके सामने अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर रहे हो, जनरली विच इज कॉल्ड एज व्हेन यू क्लाइंट्स रीच आउट टू यू। मेरा फंडा वेरी सिंपल है गाइस, नो नीड टू फाइंड क्लाइंट्स, बी फाउंड बाय योर क्लाइंट्स। तो इसी पर्टिकुलर जोश के साथ हम काम करते हैं। तो अगर आप देखोगे यार
आउटबाउंड तरीके के ये सारे मेथड है। अगर आपको क्लाइंट चाहिए, आप ईमेल डेटाबेस बिल्ड कर सकते हो, डेटा स्क्रैप कर सकते हो, कोल्ड ईमेल कर सकते हो, फिर फॉलोअप कर सकते हो, लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर कोल्ड मैसेजिंग कर सकते हो, डोर टू डोर अपने लोकल एरिया में बिजनेस ओनर्स के साथ मिल सकते हो, मीटिंग कर सकते हो, अपने प्रेजेंटेशन दे सकते हो, क्लोज कर सकते हो, कोल्ड टारगेटिंग डिस्प्ले एड्स लगा सकते हो, ठीक है, डिस्प्ले बैनर्स लगा सकते हो, नेटिव एड्स चला सकते हो, तबुला पे अलग अलग इवेंट्स पे पार्टिसिपेट कर सकते हो, इवेंट्स यानी कि लोकल इवेंट्स होते हैं, meetup.com पे जा सकते हो, यू नो BNI होते हैं, बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल, हर एक सिटी में है उसका नेटवर्क, उसका क्लब, आप वहां पे जाके बिजनेस ओनर्स के साथ डिस्कशन करके अपने सर्विसेज ले सकते हो। देन एग्रीगेटर डायरेक्टरी साइट्स जैसे फाइबर, अपवर्क, यू नो ये सारे साइट्स है जहां पे आप जाके अपने लिए क्लाइंट्स ले सकते हो। लेकिन फंडा क्या है दोस्त, ये मेथड काफी एक्सपेंसिव है, काफी मैन पावर एफर्ट चाहिए, 100 कॉल घुमाओगे तो एक मीटिंग फिक्स होता है, द कन्वर्जन रेट इज वेरी वेरी लेस, जैसे ना लोअर कन्वर्जन रेट, मैनुअल लीड जनरेशन होता है, मैनुअल लीड क्वालिफिकेशन होता है, यानी कि आप कस्टमर से बात करके ही आपको पता चलेगा वो कितना सीरियस है, आप कस्टमर को मैनुअली प्रोस्पेक्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि यार वो आज ले रहा है या एक साल के बाद ले रहा है या जस्ट टाइम पास कर रहा है। मैनुअल लीड क्वालिफिकेशन एंड ए लॉन्गर सेल्स साइकिल, लॉन्गर सेल्स साइकिल क्यों है यहाँ पे, क्योंकि यहां पे जिन क्लाइंट्स के साथ बात करोगे ना वो कोल्ड स्टेज में होंगे, दे हैवंट शोन एनी डिजायर टू बाय फ्रॉम यू, तो क्या होगा उनको नर्चर करने में, प्रेजेंटेशन देने में, फॉलोअप देने में इट विल बिकम लाइक 1 month और 2 months, बहुत लॉन्ग सेल्स साइकिल होते हैं। फिर अगर आप देखोगे यू नो परमिशन मार्केटिंग, क्लाइंट्स रीच आउट टू यू, आप इंफॉर्मेशन बेस्ड मार्केटिंग कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी इस वीडियो में मैं आपको एक इंफॉर्मेशन बेस्ड मार्केटिंग फंडे से इस वीडियो को पब्लिश कर रहा हूँ, राइट, दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन बेस्ड मार्केटिंग, दिस इज आर प्रिंसिपल गाइज, ये कोट को हमेशा याद रखो, सक्सेसफुल मार्केटर्स बिलीव इन जस्ट वन इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेन यू स्टार्ट गिविंग मोर देन यू गेट, सून यू स्टार्ट रिसीविंग मोर देन यू हैव गिवन। तो गाइज दिस इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन बेस्ड मार्केटिंग या तो वैल्यू मार्केटिंग, लीड मैग्नेट प्रमोशन, लीड मैग्नेट जैसे ये वीडियो है हाई वैल्यू है, फ्री में दे रहा हूँ आपको, फ्री में दे रहा हूँ, सो दिस इज कॉल्ड एज लीड मैग्नेट, ये आपका अटेंशन गेन कर रहा हूँ ना मैं, आपका अटेंशन अभी ये वीडियो देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज लीड को मैग्नेटाइज करना विथ योर इन्फॉर्मेशन। आप ड्रिप ईमेल कैंपेन रन कर सकते हो, दैट मीन्स अगर आपके कोई फ्री ट्यूटोरियल या फ्री बी को अगर कोई डाउनलोड कर रहा है तो आप उनको एक ऑटोमेटेड ईमेल सीक्वेंस में डाल सकते हो, जहां पे वो साल भर आपके सर्विसेज के बारे में आप उनको प्रमोट कर सकते हो। ब्लॉगिंग एंड SEO, आज डिजिटल मार्केटिंग स्पेस पे कोई भी कीवर्ड टाइप करो, alokbhartia.com का आर्टिकल 100% फर्स्ट पेज में होगा, डिजिटल मार्केटिंग फॉर टिफिन सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग फॉर फैशन, डिजिटल मार्केटिंग फॉर आयुर्वेदा, डिजिटल मार्केटिंग फॉर पॉलिटिकल कैंपेन, एवरी सिंगल कीवर्ड पे हमारा ब्लॉगिंग, हमारा ब्लॉग्स गूगल के फर्स्ट पेज पे, देन कम्स वीडियो मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड ऑफकोर्स इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। सो ये तरीके हैं जहां पे कस्टमर्स विल कम टू यू, और इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए यू नो यू नीड टू हैव अ स्ट्रांग मेंटरशिप एंड यू नीड अ स्ट्रांग डिसिप्लिन एंड हैंड होल्डिंग, कमांडो लेवल ट्रेनिंग चाहिए। ये कंप्लीट स्लाइड में जो देख रहे हो ना ये सारा चीज हम अचीव करते हैं हमारे लाइफ टाइम मेंटोरशिप प्रोग्राम में, जो कि एडवांस डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग है, विच इज द बेस्ट कोर्स फॉर फ्रीलांसिंग एंड एजेंसी फाउंडर्स। तो गाइज ये तो हो गया हमारा सारा कहानी, वेर एग्जैक्टली यू नो हमें ये तो समझ में आ गया कि हमें अभी करना क्या है, दैट मीन्स मैं कस्टमर्स कैसे लेके आऊंगा, फाइनली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, देखो फ्रीलांसिंग हो या एजेंसी बिजनेस हो, वी आर नॉट इन ए बिजनेस ऑफ डूइंग सेल्स, वी आर इन ए बिजनेस ऑफ जनरेटिंग रीऑर्डर्स, रिटेंशन हमारा गेम है। एक बार कस्टमर प्लग हो गया SEO के सर्विसेज के लिए, एटलीस्ट वो एक साल तक हमारे साथ रहेगा, राइट? तो रिटेन करना, डिलीवर वैल्यू करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो डिलीवरी के दो पार्ट होते हैं जनरली, वन होता है सेल्स, दूसरा होता है सर्विस। सेल्स के कुछ पार्ट है, आपको अपने सर्विसेज के पैकेजेस बनाना है, वो सोशल मीडिया कर रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो, मल्टीपल पैकेजेस बनाना है ताकि कस्टमर्स को यू नो हेल्प करे वो पैकेजेस डिसीजन लेने में। स्पॉट ऑफर्स देना बहुत जरूरी है, जब आपको लग रहा है कि कस्टमर्स आपके सर्विसेज के बारे में सब कुछ जान चुके हैं, आपके सर्विसेज के अराउंड जो भी वैल्यू है उनको और उसमें कोई भी डाउट नहीं है, राइट नाउ दी ओनली ऑब्जेक्शन विल बी मनी, तो आप उनको कुछ स्पॉट ऑफर दे सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं उसे स्पॉट ऑफर दूं वो कस्टमर क्लोज हो गया तो ऑन ए लॉन्ग रन ये एक प्रॉफिटेबल कस्टमर होने वाला है। पेमेंट टर्म्स बताओ, कैसे पे करेंगे, वन शॉट पेमेंट पे आप उन्हें डिस्काउंट दे सकते हो, इंस्टॉलमेंट दे सकते हो, माइलस्टोन पेमेंट हो सकता है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेल्स इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग।
क्लोज करना है, वर्बल यस लेना है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है, एक प्रोफेशनल तरीके से ऑनबोर्डिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका आपके क्लाइंट के साथ बाद में कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, पेमेंट के ऊपर, सर्विस लेवल एग्रीमेंट के ऊपर। तो प्रॉपर स्कोप ऑफ द वर्क डिफाइन होता है यहाँ पे, आप कब छुट्टी लोगे, आप उनके साथ कब कॉन्टैक्ट करोगे, कब रिव्यू मीटिंग होएगा, क्लाइंट के एंड से कौन टच पॉइंट रहेगा, फिनांस एक चीजों के लिए, कमर्शियल्स के लिए वो किसके साथ बात करेंगे, ये सारे चीजों का ऑनबोर्डिंग में डिस्कशन हो जाना जरूरी है। देन कम्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पिलर, वो सर्विस। सर्विस गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, आज के दिन पे अमेजोन हो या ग्रुप है, माइंड शेयर, पब्लिसिस जैसे कोई भी एजेंसी हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड उनका सर्विस ही उनका पिलर है। सर्विस एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, आप देख सकते हो। सर्विस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर रिलेशनशिप। ये डिपेंड करेगा कि कस्टमर के साथ आप कितना हेल्दी रिलेशनशिप बना रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कलेक्शन फॉलोअप करना, क्योंकि रिटेंशन का गेम है। एक बार एक्वायर करने के बाद मंथली रिकरिंग पेमेंट कस्टमर से आए, ये अकाउंट मैनेजर का काम है, कलेक्शन फॉलोअप करना। और एक लॉयलिटी लूप बिल्ड करना। लॉयलिटी लूप क्या है मैं आपको समझाता हूं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के डेट पे लोग कहते हैं कि सर हमें कस्टमर्स नहीं मिल पा रहे, मतलब हमारे फनल में हमारे प्रोडक्ट के साथ, हमारे सर्विसेज के साथ, हमारे साथ वर्बली कोई एंगेज नहीं हो रहा है। ये झूठ है यार, नियत नहीं है आप में बिजनेस करने का। आप अपने घर से निकलो, 100 बिजनेसेस ढूंढ के निकालो जिनके पास एक वेबसाइट भी नहीं होगा और बोल रहे हो धंधा नहीं है। टॉप ऑफ द फनल मार्केटिंग इज नॉट ए प्रॉब्लम। द मेजर प्रॉब्लम आज एक फ्रीलांसर का क्या है पता है? कस्टमर 2-3 महीने में छोड़ के भाग जाते हैं। यू डोंट नो हाउ टू क्रिएट बॉटम ऑफ द फनल मार्केटिंग एंड हाउ टू क्रिएट ए हैप्पी क्लाइंटेल बेस। अगर आप एक अच्छा लॉयलिटी लूप क्रिएट करोगे, एक डिलाइट ट्रिगर क्रिएट करता है, जहां पे आपके जो हैप्पी क्लाइंट्स होते हैं ना, दे ओनली रिफर एंड रिटेन, और वो अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव कलीग्स को ला के ना सेल करवाते हैं। इससे फायदा क्या है पता है? अगर डायरेक्ट यहाँ से वो सेल करा रहे हैं, आपका अवेयरनेस जनरेट कराने का, प्रोस्पेक्टिंग कराने का, सेल्स कराने का सारा खर्चा आप यहाँ पे सेव कर लिए। इट्स ए हाईली पावरफुल मार्केटिंग। तो गाइज इस वीडियो में बहुत क्रिस्प तरीके से मैंने आपको समझाया कि फ्रीलांसिंग के 3 पिलर होते हैं, डेवलप योर वैल्यू, द सेकंड इज प्रमोट योर वैल्यू। प्रमोट करने के लिए आउटबाउंड इनबाउंड 2 मेथड है, परमिशन एंड इंटरप्शन मार्केटिंग होता है। आपको क्या करना है, आपको देखना है, हम सब सिखा के आपको एक्सपर्ट बना सकते हैं। थर्ड कम्स सबसे बड़ा मेजर चैलेंज, जो कि आज के 100 करोड़ रेवेन्यू बनाने वाले एजेंसी का भी है, वो है डिलीवर योर वैल्यू। सेल्स करना, रिटेन करना, रिफरल्स लेना, जो कि कंप्लीटली एवरीथिंग वी टीच फ्रॉम स्क्रैच। एंड ए वेरी क्विक अनाउंसमेंट, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो, देन लेट मी टेल यू, वी आर लॉन्चिंग आवर एडवांस डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस लीडरशिप, जो कि वर्ल्ड का नंबर वन, नोबडी इज आर कॉम्पिटिटर, द बेस्ट mentorship, lifetime mentorship program for freelancers and agency owners. No matter what, आप दुनिया के कौन से कोने में हो, आप घर से live session ले सकते हो मेरे साथ. You can directly interact with me, you can directly talk to me, clear your doubts, you remain motivated 24/7. हमारी coaching team आपके साथ hand holding करेगी, coaching team आपके साथ 24/7 काम करेगी, unless and until you are not reaching your financial goal. ये एक 4.5 महीने का एक commando level training होने वाला है, जहां पे एवरीथिंग विल बी प्रैक्टिकल। आपको कंप्लीट रियल केस स्टडीज क्लाइंट्स के साथ, हमारे साथ डिस्कशन करोगे, सॉल्व करोगे, क्लोज करोगे, रिटेन करोगे हमारे साथ 4.5 महीने के बाद भी, जब तक आप अपने ईयरली रेवेन्यू गोल तक नहीं पहुंचते हो, आप हमारे टीम के साथ काम करोगे, हम लोग आपके साथ तब तक आपका हाथ नहीं छोड़ने वाले, अनलेस एंड अंटिल यू आर नॉट रीचिंग योर फाइनेंशियल गोल्स एंड अचीविंग योर ड्रीम्स। इफ यू आर रियली सीरियस एंड अंडरस्टैंड एजुकेशन एंड स्किल कैन टेक यू टू द लेवल वेर यू वॉन्ट टू रीच, अगर आप रियली बिलीव करते हो कि इंटेलिजेंस कैन ब्रिंग चेंज इन योर बिजनेस, क्लिक ऑन द लिंक बिलो टू डाउनलोड द सिलेबस एंड बुक ए काउंसलिंग डायरेक्टली विद आवर टीम। दिस इज आलोक भारतीय साइनिंग आउट फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट।